और उसे भी शुरू करते हैं अगली खबर का। आगरा से अगली खबर सामने है जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह सुमन की मौत हुई है। नारायण सिंह सुमन की कोरोना से हुई मौत, दो दिन पहले पत्नी और बेटी की हुई थी मौत, बेटी और पत्नी का भी कोरोना से हुआ था निधन। जी हां, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, आगरा से पूर्व कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह सुमन की मौत हो गई है। नारायण सिंह सुमन की कोरोना से हुई है मौत, और आपको जानकारी दें कि दो दिन पहले पत्नी और बेटी की हुई थी मौत। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, बेटी और पत्नी का भी कोरोना से हुआ है निधन। बेटी और पत्नी का भी कोरोना से हुआ था निधन। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, पूर्व कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह सुमन की मौत हुई है। नारायण सिंह सुमन की कोरोना से हुई मौत, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दो दिन पहले पत्नी और बेटी की हुई थी मौत। जी हां, दो दिन पहले बेटी और पत्नी का भी कोरोना की वजह से निधन हुआ था, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं। संजय, क्या अपडेट, क्योंकि कोरोना एक एक कर कहर बरपा रहा है और कई लोगों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है। सचिन, बिल्कुल, जिस तरह से लगातार कोरोना का कहर बरपा रहा है, कई जगह हॉस्पिटल को जगह नहीं मिल पा रही है, और पिछले काफी समय से ये एडमिट थे नारायण सुमन, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका निधन हो गया है। उससे पहले कल रात को उनकी बेटी का निधन हुआ, उससे पहले दो दिन पहले उनकी पत्नी का निधन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं बड़ा वज्रपात हुआ है ये मंत्री, पूर्व मंत्री के परिवार पर। तो जो नारायण सुमन है, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर थे बसपा सरकार में, इनका निधन हुआ है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।